लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ट्रांसफर हो गया, आज रिलीव हो जाऊंगी गोंडा। अरे वाह, तुम्हारा भी ट्रांसफर हो गया, गुड। हाँ, आवेदन किया था, स्थानांतरण हो गया। बीआरसी से डॉक्यूमेंट भी आ गया है, आज रिलीव हो जाऊंगी। साहब बचा रो रहा है, बाहर धूप है अंदर गर्मी है, जल्दी रिलीव आदेश दे देते तो अच्छा रहता। सर मेरा टिकट है, आदेश दे दीजिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ये हाल गुरुवार को पंतनगर स्थित बीएसए कार्यालय पर मिला, जहां मनचाहा जिला पाने के बाद रिलीव होने आए शिक्षक शिक्षिका आपस में बात कर रहे थे। 150 शिक्षक रिलीव हुए। गुरुवार का दिन अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ पाने वाले शिक्षकों के लिए खास रहा था। ब्लॉक संसाधन केंद्रों से अभिलेख आ चुके शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रिलीव कर दिया गया। सुबह ही अध्यापकों की भीड़ लग गई, कार्यालय में शिक्षकों की लंबी कतारें लगी। ब्लॉक से आए अभिलेखों की जांच की गई, जिसके बाद एक के एक शिक्षक रिलीव किया गया। बाहर धूप व अंदर स्थान के अभाव में शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे जल्दी को लेकर गहमा गहमी की स्थिति रही। हालांकि पूरे टाइम बीएसए कार्यालय में मौजूद रहे, जिससे समय से अध्यापकों का कार्य होता रहा। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे ने बताया कि 150 शिक्षक रिलीव हुए हैं, प्रक्रिया चल रही है, जिनका भी स्थानांतरण हो गया है उनको रिलीव किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों को बीआरसी स्तर पर तत्काल कार्यवाही पूरी करके जिले के लिए छोड़ने का निर्देश दिया गया है।